बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफताब होम्यो टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनेमिया या हीमोग्लोबिन की कमी के बारे में। एनेमिया इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये ब्लड ब्लड सेल्स जो आपकी ब्लड का हिस्सा होते हैं उनकी कमी की वजह से पैदा होने वाली एक कंडीशन है। तो हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी का बायस बनते हैं या आपके रेड ब्लड सेल्स जिनकी वजह से कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली वजह है हेमरेज। किसी भी वजह से जो ब्लड लॉस है उसको हेमरेज कहा जाता है। अगर किसी इंसान को इंजरी हो गई है, ऑपरेशन हुआ है उसका, उसमें ब्लड लॉस हुआ है, या उन खवातीन में जो कि ड्यूरिंग डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या जिन खवातीन में पीरियड्स के दौरान प्रोलॉन्ग पीरियड होते हैं और ज़्यादा अरसा तक उनके पीरियड जारी रहते हैं और उनसे ज़्यादा खून जिस्म से खारिज हो जाता है, तो उस ऐसी कंडीशंस में हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, जिससे एनेमिया का शिकार वो लोग हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि जॉन्डस और स्टमिक अल्सर, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, या जॉन्डस में आपका लिवर खून बनाना कम कर देता है और उसकी वजह से भी आपको हेमरेज या ब्लड लॉस का सामना करना पड़ता है। आयरन डेफिशिएंसी दोस्तों क्या है कि अगर आपकी खुराक के अंदर सेब, केला, पालक या ऐसी खुराक, ऐसी गजाएँ जिनके अंदर आयरन मौजूद है, अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करते तो अभी आप आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं। थर्ड इसका रीज़न है दोस्तों विटामिन B12 की कमी। अगर आप विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते अपनी खुराक के अंदर, तो भी आप एनेमिया का शिकार हो सकते हैं। चौथी इसकी वजह है दोस्तों कि अगर आपका ऑटोइम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, डिसऑर्डर हो गया है, उसकी वजह से विटामिन B12 आपके बॉडी का हिस्सा नहीं बन पा रहा। आप खुराक तो खा रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं, लेकिन विटामिन B12 अच्छे से हजम नहीं हो पा रहा, तो भी आप एनेमिया का शिकार हो सकते हैं। चौथी इसकी वजह है दोस्तों मलेरिया, और पांचवी वजह है इसकी थैलेसीमिया, जो कि एक पैदाइशी बीमारी है जिसके अंदर बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स नहीं बन पाते। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसकी वजह से क्या सिम्टम्स पैदा होते हैं। एनेमिया के पेशेंट में वीकनेस, कमजोरी, ज़्यादा देर तक वो कोई काम नहीं कर पाता, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता, किसी काम में उसका दिल नहीं लगता, इसके साथ साथ उसके जिस्म, उसका चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, उसका सारा जिल्द का रंग पीला पड़ जाता है, और उसको फेंटनेस होती है, चक्कर आते हैं, और उसको ऐसे लगता है जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगा, और वो ज़्यादा देर तक कोई भी काम नहीं कर पाता। तो इसके साथ साथ दोस्तों उसका वेट लॉस होता है, उसको खाना तो वो खाता है लेकिन उसके बावजूद उसका वजन गिरना शुरू हो जाता है। तो ये दोस्तों एनीमिया की वजह से पैदा होने वाले कुछ सिम्टम्स हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसके ज़रिए आप एनीमिया का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है फेरम मेटेलिकम या फेरम मेट। इसमें आप ख़ासतौर पर ख़वातीन में या उन लोगों में जिनमें इंजरी हुई है या ब्लड लॉस हो गया है किसी भी वजह से, तो उनके लिए आप फेरमेट का इस्तेमाल करते हैं। इसको 30 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम्योर। नेट्रम्योर का पेशेंट में खाना खाने के बावजूद वेट लॉस का मसला नज़र आता है, यानी कि उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है खाना खाने के बावजूद, यदि खुराक उनका जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाती। ख़ास तौर पे बच्चों में जो स्कूल गोइंग हैं या जवान लोगों में ये मसला देखने में आता है कि जिन लोगों में, इनमें एक और अलामत भी है कि उनको सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, और उनको वॉमिटिंग के सिम्टम्स भी देखने में मिलते हैं। नेट्रम्योर के पेशेंट को धूप बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो इसको भी दोस्तों आपने 6 एक्सपोटेंसी में लेना है, 5 ड्राफ्ट, 4 गोलियां दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों जो एनेमिया के लिए इस्तेमाल होती है चाइना। दोस्तों बहुत ही अच्छी टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है एनेमिया के लिए, बल्कि हर किस्म की वीकनेस के लिए, चाहे वो नर्वस वीकनेस हो या चाहे ब्लड की कमी
हो या जिसम में किसी भी चीज का ज्यादा इखराज हो जाए, डायरिया के बाद पैदा होने वाली वीकनेस या खून की कमी की वजह से होने, खून का लॉस होने की वजह से वीकनेस, या किसी भी वजह से जो आपको कमजोरी का एहसास होता है उसको दूर करने के लिए चाइना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसन है दोस्तों। इसको 30 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार पानी में डाल के आपने यूज करने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में जिनमें हम सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसन इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है दोस्तों प्रेगनेंसी। खास तौर पे ख्वातीन में हम देखते हैं कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है और खून की कमी का वो शिकार होती हैं, और एलोपैथिक में उनके लिए दूसरे किस्म की टैबलेट्स और वो साथ में ड्रिप्स और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक की मेडिसिन अल्टेरिस फेरिनोसा 30 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाएं तो खून की कमी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और सारा जो मसला है वो हल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मच्छर के काटने की वजह से ये पैदा होता है और इसमें आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाते और वक्त से पहले डिस्ट्रॉय होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की मिकदार कम हो जाती है। तो दोस्तों उस सूरत में आर्सेनिकम एल्बम 30 और नेट्रम्योर 30 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है और इसके बाद होने वाली वीकनेस दूर हो सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों जॉन्डस की। जॉन्डस क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम है और लीवर एक खास उज्व है जो आपकी बॉडी में खून पैदा करता है, अगर उसके फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं तो आपको ब्लड लॉस या एनेमिया का मसला पैदा होता है। तो दोस्तों जॉन्डस के लिए भी मैं आपको मेडिसिन बता देता हूँ कि इसके लिए कैलिडोनियम क्यू और क्रोडस मार क्यू आपने मदर टिंक्चर में लेनी है। इनके 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ हम नेट्रम्योर और फेरम फास इनका इस्तेमाल करेंगे जॉन्डस की वजह से पैदा होने वाली वीकनेस और एनेमिया के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों थैलीसीमिया। थैलीसीमिया का मर्ज में ऐसा कि मैंने बताया ये बाय बर्थ होता है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका जो भी इलाज आप कर रहे हैं या अगर आप इस खुदा न खास्ता इस ऐसी मूजी मर्ज में मुबतला हैं तो उसमें आप दोस्तों होम्योपैथिक से जो हेल्प ले सकते हैं वो उसके उनके बारे में उन मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आपको पिक्रिक एसिड और फास्फोरस 30 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं और आप अपना दूसरा इलाज भी साथ में जारी रखें। और सम टाइम हमने देखा है कि होम्योपैथी की वजह से इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं थैलेसेमिया के पेशेंट्स में। तो दोस्तों ये थी वो होम्योपैथिक मेडिसिन या वो मेडिकल कंडीशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिसकी वजह से आप एनेमिया का अपना मसला हल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिल सकें। अच्छा खाना खाएं, अच्छा पिएं, वक्त पे सोएं और वक्त पे जागें तो एक सेहतमंद ज़िंदगी की इब्तिदा कर सकते हैं। किसी भी किस्म का जो आपकी बॉडी से अखराज होते हैं जो उनका ज़रूरत से ज़्यादा खारिज हो जाने की वजह से जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, अपनी रूटीन लाइफ को बेहतर करें, बैलेंस डाइट लें, दूध गोश्त अंडा सब्जियां फल हर चीज़ मुनासिब मिकदार में खाएं ताकि आपको किसी भी वजह से कमज़ोरी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हाज़िर होंगे अपनी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।